तीन बड़े आईपीओ यहाँ पर हमारे सामने आ गए हैं और तीनों ने कर दिया धमाका और बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हम जिससे उम्मीद लगा कर बैठे थे कि बहुत ही अच्छा करने वाला है, लेकिन वैसा यहाँ पर होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ पिछला तीन धमाकेदार आईपीओ जो था कैम्स का, कैमकॉन का, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों को आईपीओ इस बार 2020 में मिल रहा नहीं है, तो मैंने फिगर आउट करने की कोशिश किया है कि क्यों नहीं मिल रहा और कैसे हम यहाँ पर बेटर हो सकते हैं, कि ये जो अभी के तीन आईपीओ आए हैं इनमें हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे आपको यहाँ पर मिलेगा। वो वाली ट्रिक नहीं बताऊंगा, अलग अलग डीमेट अकाउंट वाली जो मैंने फिगर आउट करा है वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यूटीआई एएमसी के आईपीओ में क्या पैसा मिलेगा, बनेगा लिस्टिंग या फिर नहीं बनेगा। दूसरा, यहाँ पर मेजगॉन का आईपीओ यहाँ पर क्या यहाँ पर होने वाला है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, और एक लिखिता का आईपीओ है। तो तीन आईपीओ में आपको क्या करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है और एग्जिट प्लान क्या होगा, सारी बड़ी बातें और ग्रे मार्केट में यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है जानेंगे आज के वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार, मैं अंकित और आप है मार्केट माइस्ट्रो में। सबसे पहला आईपीओ, आज शॉर्ट रखते हैं वीडियो ना, आज सबसे पहला जो आईपीओ है वो है यहाँ पर यूटीआई एएमसी का। अब देखो, यूटीआई एएमसी का जो आईपीओ है, तीन बड़ी चीज नोटिस कर लो, 1 तारीख तक खुला रहेगा, 12 तारीख को लिस्टिंग है और जो प्राइस है वो है 554 का, ठीक है। अब यूटीआई एएमसी के आईपीओ में आपको क्या करना है, तो कंपनी क्या है, तो देखिए म्यूचुअल फंड बिजनेस यहाँ पर कंपनी चलाती है, इंडिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड था। उसके बाद क्या है कि अभी बहुत सारे प्राइवेट लोग आ गए, कॉम्पिटिशन बढ़ गया और यूटीआई एएमसी का कोई म्यूचुअल फंड अभी करेंटली फेमस हो जिसपे सब पैसा लगा रहे हो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और इसके साथ सिर्फ इसका एक इंडेक्स फंड है जो अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, बाकी सब में यहाँ पर डाउनग्रेड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से कंपनी का पैट लगातार नीचे जा रहा है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा अनसर्टन दिखाई दे रहा है। लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप देखोगे तो एएमसी के सारे शेयर्स जो है, जैसे एचडीएफसी एएमसी और निप्पो जो है, वो लगातार पिछले 3 महीने से प्रेशर में है, काफी ज्यादा प्रेशर में है, ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो यहां पर लिस्टिंग, आप यहां पर उम्मीद जो है वो भी यहां पर ग्रे मार्केट में काफी तेजी के साथ यहां पर कम हुआ है, तो फ्यूचर ठीक नहीं दिख रहा है। बिजनेस अच्छा है, म्यूचुअल फंड बिजनेस है, ग्रोथ काफी है, लेकिन जो एएमसी है वो लगातार यहाँ पर नीचे की तरफ गई है, क्योंकि प्राइवेट कॉम्पिटिशन काफी अच्छे आ गए और काफी अच्छा अल्फा यहाँ पर फंड मैनेजर्स जनरेट करके यहाँ पर दे रहे हैं। वैल्यूएशन कैसी रखी है, तो इनके बैंकर्स ने काफी अच्छी वैल्यूएशन निकाली है और 25 के भाव पे यहाँ पर, 25 के पी पे आपके सामने यहाँ पर पेश किया है 554 प्राइस पे यूटीआई एएमसी को। अगर आप देखोगे एचडीएफसी एएमसी 40 के भाव पे है और यहाँ पर अगर आप इसका कॉम्पिटिटर देखोगे निप्पो, वो भी शायद 38-40 के आसपास है, तो 25 सस्ता रखा है। लेकिन भाई बाकी लोग जब आईपीओ में आए थे तो वो और भी सस्ता थे, तो उम्मीद थी और सस्ता रखने की। अब लिस्टिंग क्या होगा, तो देखिए जो ग्रे मार्केट था और मुझे काफी ज्यादा उम्मीद थी यूटीआई एएमसी से, पिछले 1 साल से मैं उम्मीद लगाकर बैठा था कि यूटीआई एएमसी का आईपीओ आएगा और अच्छा पैसा बनेगा। और यहाँ पर जैसे ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम था वो भी काफी ज्यादा था, अच्छा उम्मीद दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आया वो यहाँ पर नीचे आते गया और अभी यहाँ पर 10% की लिस्टिंग गेन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो क्या करना है यूटीआई एएमसी में, मुझे काफी उम्मीद था, लेकिन अब फाइनल कंक्लूजन मैं सीधा बात करता हूँ यहीं पे है, क्योंकि मुझे अब एचडीएफसी एएमसी वैल्यूएशन काफी सस्ता दिखाई दे रहा है, 2000 के प्राइस पे निप्पो सस्ता दिखाई दे रहा है, ये दोनों शेयर जो है वो महंगे नहीं है, तो मैं डायरेक्टली सोचूंगा कि इस पे जाकर यहाँ पर परचेस करूँ। और वैसे भी एचडीएफसी एएमसी एक म्यूचुअल फंड बिजनेस मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, 70% मैं अकेला एक ही शेयर को होल्ड करता हूँ, तो कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पर कि इसे वापस से यूटीआई एएमसी को यहाँ पर लिया जाए। तो फिलहाल यूटीआई एएमसी को अवॉइड करना चाहिए। और जहां तक लिस्टिंग इन की बात है कि आप लिस्टिंग इन सोच के अगर लेना चाहते हो, तो मैं यही बोलूंगा कि देखिए जब तक आईपीओ में, जब किसी आईपीओ में आपको 20% का लिस्टिंग गेन दिखाई नहीं देता है, उस आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए। करेंटली जो आईपीओ है हमें ऐसा लग रहा है 10% 12% ऊपर खुलेगा, ज्यादा 15% यहां पर आपको दिखाई दे सकता है। तो भाई आप 15,000 लगा रहे हो, एक लॉट 15,000 लगा रहे हो ना जी, उस 15,000 पे आपको अगर 4,000 भी नहीं मिला तो आप 10 दिन पैसा फंसा के वहां पर क्या करोगे, इससे अच्छा वो 15,000 का फ्यूचर खरीद लो, आप 4 दिन में 2,000 बना लोगे। तो वो सेंस वाली बात है कि आपको क्या करने की जरूरत है। तो 20% यहां पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो आईपीओ फिलहाल लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी अवॉइड है। दूसरा आईपीओ मेजगॉन का आईपीओ, और कमाल हो गया भाई यहाँ पर, तो कमाल हो गया, सरकारी कंपनी और सरकारी कारनामे बहुत ही जबरदस्त होते हैं। और आईआरसीटीसी आपको पता होगा जिस प्रकार से आईआरसीटीसी 310 के भाव पे आया था, मुझे अभी भी याद है 650 पे लिस्ट हुआ और उसके बाद रॉकेट बन के शेयर लगभग 1800 चले गया था और गिरा भी, तो यहाँ पर पेंडेमिक सिचुएशन में भी वो 1200-1300 तक यहाँ पर स्टेबल दिखाई दिया हमें काफी समय तक। तो जबरदस्त यहाँ पर सरकारी कंपनी रहती है। और मेजगॉन क्या वैसा कुछ है, तो देखिए इसके बारे में ना मैं आपको एक खास रिसर्च बताऊंगा।
वो खास रिसर्च आप और कहीं से नहीं जानोगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा जो हुआ है वो। पहले बात कर लेते हैं क्या कंपनी है। तो देखिए, इंडिया की काफ़ी पुरानी कंपनी है, डिफेंस वाली कंपनी है, गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। ये क्या करती है, सबमरीन बनाती है, उसका मेंटेनेंस देखती है, और इंडिया की अकेले ऐसी कंपनी है जो ये काम करती है। तो मोनोपोली क्रिएट करती है, यानी कि प्रॉफिट और कंपाउंडिंग और कैश फ्लो में यहाँ पर कोई भी खतरा हमें फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है मैजगॉन पे। अब कुछ बेसिक यहाँ पर डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पर कंपनी, क्या आप डेट नोट कर लो, यहाँ पर छोटा सा डेट बताऊंगा। 1 तारीख तक खुला है, 145 का भाव है, 145 का प्राइस आपके सामने रखा गया, और काफ़ी सस्ता प्राइस रखा गया है, मैं सामने ही बता रहा हूँ, काफ़ी सस्ता और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। 12 अक्टूबर को यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली है। तो ये कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स है, अब आगे मैं आपको वो खास चीज़ बताता हूँ। खास चीज़ ये है कि इसमें होने वाला है गेम, मैं आपको पहले से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए, बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा है। कंपनी का फ्यूचर इसलिए अच्छा है क्योंकि अकेली कंपनी है ना, मोनोपोली हो गई तो अच्छा ही है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे वैल्यूएशन 7 के पी पे आता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखोगे गार्डन रिच शिप बिल्डर 15 के भाव पे है, कोचिन शिपयार्ड भी 7-8 के भाव पे है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस पे आपके सामने लगा दिया गया है। और 145 का भाव मतलब काफ़ी सस्ता होता है मेरे हिसाब से, तो अट्रैक्टिव प्राइस पे यहाँ पर आपके सामने लगा दिया गया है। तो क्या करना है, तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे डब्बा बाजार जो ग्रे मार्केट है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सीधा सीधा लिस्ट हमें डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये तो बिल्कुल जिस दिन था उसी दिन से साफ साफ पता चल गया था कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि PE/PB अगर आप देखोगे तो काफी अट्रैक्टिव है, 30 से कम है, तो वहीं से पता चल जाता है कि IPO सुपर डुपर हिट होने वाला है, और ये हमारे सामने वैसा ही होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो डबल की उम्मीद है, 300 तक की यहां पर खुलने की उम्मीद है ग्रे मार्केट प्रीमियम, अगर आप यहां पर देखोगे करेंटली, और अगर यहां पर और अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं अभी तो और अच्छा आपको यहां पर रिस्पॉन्स आगे इस पे देखने को मिलने वाला है, यानी कि नुकसान की संभावना है यहां पर हमें यहां पर नील दिखाई दे रहे। अब देखिए गेम की बात करता हूँ, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी ऐसी कोई कंपनी आती है ना शिप वाली खास तौर पे, तो आप नज़र बनाकर रखिए और सीखने की कोशिश करिए कि क्या होता है। इससे पहले जब आई थी तो मुझे याद है गार्डन रिच शिप बिल्डर आया था। गार्डन रिच शिप बिल्डर में क्या हुआ कि जब ये कंपनी आई और लिस्ट होने के बाद काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गई। मैंने भी इसे लिया था, तकरीबन प्राइस था 90 रुपये के आसपास, 90 या 100 के बीच में था एवरेज प्राइस था मेरा, और वहाँ से ये कंपनी 220 तक गई लगातार। अब आप बोलोगे कि में नया आपने क्या बता दिया, तो मैं आपको यह बताता हूं कि यह कंपनी में निवेश किया था LIC ने। LIC को काफी ज्यादा, उनके पोर्टफोलियो मैनेजर्स को काफी अट्रैक्टिव लगती है ऐसी कंपनीज, और LIC निवेश कर देता है, और LIC ने उसके शेयर्स कुछ यहां पर परचेस किए थे 90 के आसपास। और पिछला अगर आप देखोगे तो शायद गूगल में भी मिलेगा, 2019 में LIC के पोर्टफोलियो में जो सबसे ज्यादा पैसा बना था वो गार्डन रिच शिप बिल्डर अकेला इस कंपनी ने यहाँ पर उन्हें बनाकर दिया था अकेला शेयर। बाकी सारे शेयर तो लॉस में चले गए थे, IDBI बैंक पता नहीं क्या क्या लेकर रखे थे, है ना, और एक इंश्योरेंस वाला, वो भी उनको घाटा हो गया था। तो इसने उनका अकेला यहाँ पर पैसा बनाया था और डबल ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गया था, मेरा पोर्टफोलियो में भी डबल हो गया था। अगर आप मेरा नवंबर वाला पोर्टफोलियो देखोगे वीडियो, तो वहाँ पर भी दिख जाएगा कि गार्डन रिच शिप बिल्डर सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा वेटेज मैंने यहाँ पर दिया था। तो मैजगॉन का IPO जैसे ही आया है, तो आप एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान पर रखिएगा, अगर यहाँ पर मार्केट के सेंटीमेंट साथ देते हैं तो ये 300-350 तक जाएगा। इसीलिए जाएगा क्योंकि काफ़ी तेज़ी के साथ जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स है वो इसे खरीदने की कोशिश करेंगे, जिसमें बड़े बड़े नाम रहेंगे और इसे और पुश करने की कोशिश करेंगे। तो आप तुरंत निकलने की कोशिश ना करें, थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर एक बार ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी आएगा, फिर वहाँ से आप उसे यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चालू करें, तो मस्ट अप्लाई IPO यहाँ पर मेरे लिए तो ये बन जाता है। तीसरा IPO, इंटरेस्टिंग IPO, लिखिता IPO। अब लिखिता IPO में क्या करना है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको। अब देखिए क्या है कि जो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता वो चीज़ मैं यहाँ पर करता नहीं। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो, हमें ऐसा नहीं लगता कि ऑयल एंड गैस का भी कुछ ऐसा काम चल रहा है कि 1-2 साल में आपको कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी यहाँ पर पड़ी हुई है, और ज़बरदस्त कंपनी पड़ी हुई है, और ज़बरदस्त वैल्यूएशन पर पड़ी हुई है, तो पर्टिकुलर इसे लेने का कोई सेंस हमें तो यहाँ पर ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म दिखाई देता है। बात हो गई तीनों IPO की, अब आप बोलोगे कि सब लोग इतना तो बता दिए थे, अब इसमें नया क्या है, तो देखिए मैं आपके लिए नया कुछ ना कुछ ज़रूर वीडियो में लेकर आता हूँ, और नया ये है कि हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए पिछले बार क्या हुआ 2019 में, जो मैंने नोटिस किया, मेरे एम्प्लॉयज ने भी नोटिस किया कि बहुत सारे लोग जो है IPO में अप्लाई किए लेकिन IPO उन्हें मिला नहीं। इनफैक्ट मुझे भी IPO नहीं मिला, मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं मेरे को HDFC AMC मिला था, Apple मिला था,
बहुत सारे आईपीओज जो पिछले बार आए थे वो सारे यहाँ IRCTC मिला था, मैंने बताया था, तो सारे आईपीओज लग रहे थे। लेकिन 2020 में ऐसा कुछ हुआ कि आईपीओ लोगों को मिलना यहाँ पर बंद हो गया। तो मैंने फिगर आउट करने की कोशिश किया कि भाई क्यों आईपीओ नहीं मिल रहा है, तो कुछ छोटा सा फिगर आउट किया है। हालांकि ये कोई इसके पीछे कोई फैक्ट या वो नहीं है, जो मैं समझ पाया थोड़ा बहुत वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि आईपीओ में क्या हुआ ऐसा, और क्या है ना कि सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप सीखोगे नहीं तो आप रिपीट करोगे सेम मिस्टेक को, और आप रिपीट करते जाओगे सेम मिस्टेक को तो आपको रिपीट सेम रिजल्ट मिलता जाएगा। तो अगर आईपीओ आपको नहीं मिल रहा है तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, और आप लगातार अगर गलत करते जाओगे तो वो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्राई करिए। हाँ, वो लक की बात होती है, लेकिन आपको ज़रूरी है सारे फैक्टर्स को टिक इन रखना और क्यों नहीं मिला, और फिर उसके लिए आपके अगला जब आईपीओ आता है तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो। तो देखिए, क्यों नहीं मिला मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आईपीओ था वो पहले क्या होता था, हम ट्रेडिशनल यूज़ करते थे इंटरनेट बैंकिंग वाला, है ना। जब आईपीओ हमें लेना रहता था तो हम यहाँ पर रजिस्टर करते थे बैंक में, हमारे नेट बैंकिंग में, और डीमेट सर्विस में जाके वो निकनेम विकनेम इंटर करके लंबा लंबा प्रोसेस रहता था, वहाँ से जाकर हम एप्लीकेशन लगाते थे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है इस साल कि आईपीओ जो है वो UPI के थ्रू भी यहाँ पर अप्लाई होने लगे, जहाँ पर आप फोन पे भी कर सकते हो। तो हमने ये देखा कि हमारे 2 या 3 एम्प्लॉई ऐसे थे जिन्होंने नेट बैंकिंग ट्रेडिशनल एम्प्लॉई जो थे यूज़ करे थे, उनको आईपीओ मिला, है ना। मेरे घर में मेरे पापा को भी आईपीओ मिल गया, और जो बाकी लोग थे, जैसे कि मैंने इस बार क्या किया कि मैं सोचा कुछ नया यहाँ पर ट्राई करता हूँ, तो मैंने UPI ट्राई किया तो मुझे नहीं मिला 2 IPO, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। तो फिर उसका मैंने देखा यहाँ पर निकाल के कि स्टेटस क्या बता रहा है, तो उसमें लिखा था UPI पेंडिंग। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है UPI स्टेटस पेंडिंग, क्योंकि मेरे से तो पैसा कट गया था, एप्लीकेशन तो लग गया था, एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया था, तो वो स्टेटस UPI पेंडिंग क्यों दिखा रहा था। वहाँ पर दिखाना था नॉट अलॉटेड, सीधा सीधा सी बात है, रीजन डैश दिखाना था, तो ऐसा कुछ हमें दिखाई दिया। तो इस बार मैं ट्रेडिशनल यूज़ कर रहा हूँ, और 17 लोग हमारे यहाँ पर UPI के थ्रू, नए ज़माने के लोग हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अप्लाई किया था तो उन्हें यहाँ पर नहीं मिला, एक को भी यहाँ पर नहीं मिला। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ पर देखा है। तो ट्रेडिशनल मेथड मैं बोलना चाह रहा था, ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करें। नेट बैंकिंग अगर आप करते हैं आईपीओ में तो नेट बैंकिंग के थ्रू करने की कोशिश करें। यूपीआई को थोड़ा सा आप यहाँ पर और समय दीजिए, हो सकता है समय के साथ ये और यहाँ पर बेटर होगा। अब कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए आप यहाँ पर ऐसे अप्लाई करिए कि एक एक लॉट ही यहाँ पर अप्लाई करें। ऐसा मत अप्लाई करें कि आपने 5-6 लॉट अप्लाई कर दिया यहाँ पर और फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मिलना आपको एक ही लॉट है। तो इससे अच्छा 5-6 लॉट अलग अलग आप अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू यहाँ पर अप्लाई करें, जिससे आपकी चांसेस बढ़ जाए। तो अप्लाई क्या करना है क्या नहीं, आज के वीडियो में हमने जान लिया। नहीं अप्लाई किया हो तो अप्लाई कीजिए, और अगर आप यहाँ पर डीमेट अकाउंट से, अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करिए। अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुला है तो अपने फैमिली का डीमेट अकाउंट खुला कर रखिए। मैंने तो सबका ही डीमेट अकाउंट यहाँ पर खुला दिया, और इस बार मेरा तो नहीं, आईपीओ में मेरा तो अप्लाई, जैसा कि मैंने बताया, अप्लाई किया था, लगा नहीं। रूट मोबाइल और एक और था शायद कैमकॉन का, वो मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरे फैमिली में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मिल गया, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो आप भी यहाँ पर खुला सकते हैं, फ्री अकाउंट है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, बिल्कुल फ्री आप यहां पर अकाउंट खुला लो, उससे अप्लाई कर दो, और उससे अगर आप अप्लाई करोगे तो फिर आप यहां पर ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे आपके आईपीओ यहां पर मिलने के। तो ये काम आप यहां पर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको यहां पर लाइक करना है, शेयर करिए बाकी लोग के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि UTI AMC से उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन हमें वैल्यूएशन के बाद ऐसा दिखाई होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है करंट सरकमस्टेंसेस पे। शेयर का काम मैं आपके ऊपर यहां पर छोड़ देता हूं, और उन्हें पावर बताइए यहां पर जो आईपीओ आ रहा है सरकारी कंपनी का उसके बारे में, तो वो आपके लिए यहां पर छोड़ता हूं। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। मैं कौन सा कर रहा हूं, तो मैं तो यहां पर मैसगॉन का आईपीओ अप्लाई करने वाला हूं, और 100% करूंगा, और कल यहां पर सुबह होते साथ करने वाला हूं। तो आप भी मुझे अपना नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। म्यूचुअल फंड, बैंकिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें सीखना चाहते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स भी मैं आपको यहां पर बताते रहता हूं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा आपसे जल्दी।